एक अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में एक घंटे का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। वहीं वार्डसले स्कूल में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। पिछले एक सप्ताह से नगर निगम ने सफाई के नाम पर अभियान चलाया है। बता दें कि सफाईकर्मी भी लगातार हड़ताल कर धरने पर बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी NCC और स्काउट गाइड के बच्चों ने सफाई की है। PM मोदी के आह्वान पर सभी ने श्रमदान किया। स्वच्छता अभियान को लेकर पहले हम लोग सुबह 8:30 बजे अपने स्कूल प्रांगण में एकत्रित हुए, फिर हम लोगों ने रैली निकाली जो कि सुभाष चौक तक गई। फिर वहाँ जाके हम लोगों ने जितना भी इकट्ठा कचरा था उसको एक साइड अपनी पन्नियों में भरा और जो बाकी और कचरा था उसको इकट्ठा किया। फिर हम ऐसा जो कचरा गाड़ी आ रही थी हम उसको हमने झाड़ू वाड़ू लगा के कचरा गाड़ी में डाल दिया। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि अपने देश को स्वच्छ बनाने का हमें सौभाग्य मिला। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दुकानों के बाहर जो लोग कचरा फेंक देते हैं उनको अपने मतलब दुकानों के बाहर डस्टबिन रखना चाहिए। कई लोग हमको बोल भी रहे थे कि ये साफ कर रहे हो तो वो भी साफ कर लो। मुझे लगता है कि उन्हें खुद ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये जो रैली निकाली जा रही है वो CBSE के द्वारा हमारा स्कूल अंडर द बैनर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान 1 तारीख 1 घंटे में इस शहर के द्वारा इस शहर में हमारा स्कूल चुना गया है कि हम लोग इस मुहिम में आगे बढ़ें और लोगों में अवेयरनेस फैलाएँ कि अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। और हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे और हम सब लोग इस पूरे बार्सले परिवार के द्वारा लोगों में संदेश पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि अपने सराउंडिंग्स को वो क्लीन रखें, स्वच्छ रहें और सुरक्षित।